दे क्या रहे सन हाथ में सर रखते थे सर चलो अब चल रहे ठीक जो हरि कृष्ण ओम ज्ञान से मेरा हम दस ज्ञान आनंद से लाके ऐसे चला दो चल सो मिसाल में रजे गौर चंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय पांचागम पतितानां पावने गोपीसह गोपिकान्ता श्रीराधाकान्त नमस्तुतु तप्तकाञ्जनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरभक्त हरे कृष्ण। हम लोग कुछ दिन पहले कथा सुन रहे थे वो माधुर्य कादम ये ग्रंथों के ऊपर में हम लोग श्रवण कर रहे थे। यदि ये जो ग्रंथ है हमारे संप्रदाय में ये एक अनमोल ग्रंथ है जिसको श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का जो स्टेज से उन्होंने बताया भक्ति कहाँ से शुरू होता है बोले श्रद्धा से। श्रद्धा उसके बाद में साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम। प्रेम में ही कृष्ण दर्शन है। कहते वही रूप गोस्वामी फिर जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में आते हैं फिर वह चीज को उन्हें विस्तृत रूप में वर्णना करते हैं। श्रद्धा का लक्षण क्या है, साधु संग किसको कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति अनर्थ कितने तरह का है, रुचि का क्या डेफिनेशन है, निष्ठा क्या है, भाव क्या और प्रेम क्या, उसको विस्तृत रूप में ये चीज को व्याख्या करते हैं। इसलिए कहते हैं कि माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ हमारे संप्रदाय में एक अनमोल ग्रंथ है। साधक भक्ति से भटक नहीं जाए हैं, सचमुच से उसको धीरे 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 एक दिन से भगवत प्रेम प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो, अभी हम कौन सा स्टेज में कौन सा क्लास में, जैसे कि बैरोमीटर होता है उसमें दूध डालो तो पता चलता है कितना उसमें दूध है और उसमें कितने पानी है। उसी तरह ये ग्रंथ है भक्ति जगत में अभी हम कहाँ पर है और हमें आगे कैसे चलनी चाहिए, ये ग्रंथ से अच्छे तरह से ये ग्रंथ से पता चल जाता है। इसलिए ये ग्रंथ का नाम दिया माधुर्य कादंबिनी। पहले हम लोग ने श्रवण किया पहले इसका नाम माधुर्य कादंबिनी मतलब दिया, माधुर्य मतलब होता है मधुरता व मीठा और कादंबिनी मतलब जो बरसालू मेघ। ये जो ग्रंथ है माधुर्य कादंबिनी मतलब हमारा जो हृदय है अनादिकाल से भगवान को लगा दो उसको ठीक लगा दो ना, अनादिकाल से हम भगवान को भूल करके इस संसार में और संसार क्या है दुखालय असास, ये दुख का घर सब अनित्य है जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं संसार दावा नड़ाली ढलो उदाहरण देते हैं संसार क्या है, संसार किताब आग। इसलिए भगवान का कृपा ही
किए कि गुरु का रूप साधु का रूप धारण करते हुए इस जगत में हमारे कल्याण करने के लिए आते हैं। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी ने मतलब हमारा जो हृदय है भगवान को बोल करके अनादि काल से आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये विभिन्न दुख कष्ट से जो हम संक्रामित हो रहे हैं, इसलिए भगवान की भक्ति ही ये माधुर्यता है। अगर हृदय में वो भगवान की कृपा रूपी जो मधुरता जो मेघ है अगर हृदय में अगर बरसे तो क्या हो जाएगा, हमारा हृदय शांत हो जाएगा, हृदय हमारी शांत हो जाएगी। इसलिए पहले हम इस विषय पर बहुत कथा सुने भगवान का, विशेष करके चार ही माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वो माधुर्य, ये चार ही तरह का भगवान की माधुर्य मधुरता अगर हमारे हृदय रूपी मरुभूमि में अगर बरस जाए ना, बस हमारा हृदय ठंडा हो जाएगा, हृदय में हमारी शांति आ जाएगी। इसलिए ये ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी, भगवान रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अखिल रसामृत मूर्ति भगवान है। पहले हमने बहुत बहुत कथा सुने हैं, पहले भक्ति कथा, लेकिन ये भक्ति को जो रसरूप प्रदान किया श्री रूप गोस्वामी ने आकर के भक्ति को रसरूप प्रदान किया है। सब बोलते तो भक्ति भक्ति है, लेकिन भक्ति में भी शांत रस का भक्ति, उसमें सत्तास्य रस का भक्ति, सख्य रस का भक्ति, वात्सल्य रस का भक्ति और उसमें मधुर रस का भी भक्ति है। हम मधुर रस में भी सखिया पर किया उसमें भी दो तरह का भक्ति है, उसमें तदीयता मदीयता भक्त स्नेहा मधु स्नेहा तरह तरह का सखियाँ हैं, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सूर्य विपक्ष, उन्होंने जो भक्ति की त्रिवेण जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है और भक्ति की है आरोप सिद्धा भक्ति संग सिद्धा भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति ये क्या है ये सब चीज़ें, इसलिए उन्होंने भक्ति की बहुत बहुत उन्होंने भक्ति की डेफिनेशन दिया है। और सर्वश्रेष्ठ रूप में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उन्होंने उत्तमा भक्ति का जो उन्होंने विवेचना किया है अद्भुत श्लोक को द्वारा, भक्ति तो राम को भी भक्ति है, नरसिंह भगवान भी भक्ति भक्ति, बराधन का भी भक्ति भक्ति, लेकिन सर्वोत्तम जो भक्ति जब कृष्ण को भक्ति करते हैं। इसलिए श्लोक में कहते हैं कृष्णानु, कृष्णा मतलब कृष्ण कौन है, कृष्ण बोले कृष्णा मतलब कौन, बोले राधा रानी। भक्ति किसको प्रति होनी चाहिए, कृष्ण प्रति भक्ति तो भक्ति है लेकिन वो भक्ति पूर्ण नहीं है जब तक कृष्णानुशीलनम राधा जी को साथ में जब तक वो भक्ति नहीं हो, जिसको कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जोगल किशोर आर नानी मोर नहीं। इसलिए जो भक्ति है बोले कृष्णानुशीलनम भक्ति, पूर्ण भक्ति कब होगी जब ये भक्ति कृष्णा, कृष्णा मतलब श्रीमती राधा रानी, इसलिए कृष्णानुशीलनम है, इसलिए अनुकूलन, इसलिए राधा जी का नाम एक नाम है अनुकूला देवी, कृष्ण की अनुकूल रूप में जो रहती है, कृष्ण की जैसे सेवा करती है। पूर्ण भक्ति तभी होगी जब जुगल की भक्ति, और जुगल भक्ति में विशेष करके जब राधा जी की अनुभक्ति में जब वो भक्ति कृष्ण का भक्ति हो तब ये भक्ति पूर्ण भक्ति होता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने आ करके उन्होंने भक्ति की इतनी डेफिनेशन, भक्ति की इतने मधुर बात इसलिए रूप गोस्वामी ने बताई है। उसके बाद में कहते हैं, कहते भैया जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म कौन है, कहते भगवान तो एक है अद्वैत ज्ञान पर तो भगवान एक है, लेकिन वो एक होने पर भी उनका तीन प्रकाश है, जिसको भागवत में बताया बतंती तत्त्व विदस तत्व जज ज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मति भगवान लिखि सत्य, वो एक ही ब्रह्म है लेकिन वो एक ही ब्रह्म की तीन प्रकाश है, है? इसलिए बतंती तत्व विदस तत्व जो तत्वज्ञानी विद्वान लोग वो एक ही ब्रह्म को तीन रूप में दर्शन करते हैं, ब्रह्मा परमात्मा भगवान है। कहते भैया कौन है, कहते ब्रह्म कौन है,
कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम, जिसको मायावादी ब्रह्मवादी जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म और कहीं नहीं ब्रह्म ही प्रतिष्ठा किया। इसलिए उपनिषद कहता है जत अद्वैत ब्रह्म उपनिषदम तत्पश्चात तद्वा, जिसको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं कौन है, ये भगवान की अंगता थी है। और जिसको परमात्मा कहते वो कौन कहते मेरे अंश है। लेकिन ये कृष्ण कौन है कहते सर्वैश्वर्यपूर्ण है, सारा ऐश्वर्यपूर्ण ये जो भगवान ये कृष्ण ही ये पूर्ण ब्रह्म है, जिनके अंग ही ब्रह्म का अंग का भी ब्रह्म अंश ही ये परमात्मा रूप है। इसलिए जो पूर्ण स्वरूप है ये कौन है, ये भगवान कृष्ण है, ये पूर्ण स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए ब्रह्म उनकी अंग कांति, इसलिए कृष्ण कौन, वो अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों का मूर्तिमान स्वरूप ये कृष्ण। इसलिए कृष्ण जब कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं, जिनकी भावना रही जैसी हरि मूर्त देखे दिनी जैसे, इसलिए जिसकी जैसे भावना थी भगवान को उन्होंने उसी अनुरूप उन्होंने भगवान को दर्शन दिया। क्या प्रसाद लाए हो, चलो उसी घर में ले चलो, दूसरे घर उसको उधर ले जाओ, चाबी सुनो सुनो चाबी देने। इसलिए जो पूर्ण ब्रह्म कौन है, कृष्ण ही ये पूर्ण ब्रह्म, ये कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म ही, ठीक है। उसके बाद में कहते जो भक्ति है ये भगवान की स्वरूप शक्ति, ये भक्ति, और ये भक्ति को बता रहे हैं, ये भक्ति किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये गुण हो तभी जा करके तुम्हारी हृदय में भक्ति आएगी। लेकिन ज्ञान के लिए कुछ गुण का चाहिए, अब विशाल अंतर बाहर इंद्रियों को मिले दमन कर सारे सद्गुण आए, उसको बाद में जा करके तुम्हें भक्ति में अधिकार मिले, तुमको ज्ञान में अधिकार मिले। कर्म के लिए शुद्ध पवित्र हो तभी जाकर कोई कर्म कर सकता, लेकिन भक्ति के लिए कहते कोई कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं। भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र, ये भक्ति कहीं भी प्रकाश हो सकता है, कहीं भी। इसलिए विभिन्न शास्त्र में इसके लिए उदाहरण देते हैं, कहते सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति उनकी स्वरूप शक्ति भी स्व प्रकाश का है। जैसे कृष्ण इच्छा किया तो गोप पर भी जन्म हुआ, राम इच्छा किया तो उन्हें अयोध्या में दशरथ महाराज घर में जन्म हुआ। इसलिए उनके लिए कोई ये नहीं अरे यही यहाँ पर तुम प्रकट हो सकते हो यहाँ प्रकट नहीं सकते, भगवान जैसा अपना इच्छा से कहीं भी प्रकट हो सकती है, उनकी भक्ति भी वो भी कहीं प्रकट हो सकती है, इसके लिए कोई गुण की जरूरत नहीं। इसलिए उनकी स्वरूप शक्ति की स्वरूप प्रकाश की सिद्धि के लिए और किसी भी कारण की उपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया भक्ति का, जब उन्होंने बताए तब उन्होंने बताए अहै तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसुदति, वहाँ पर बताए सभी पुंसान करो धर्म जो भक्ति जिसे सभी पुंसान करो धर्म, पुरुष का सर्वश्रेष्ठ धर्म किया है भगवान को भक्ति करना। कैसे अहै तुकी और अप्रति, वहाँ पर भी दो तरह का बताया, अहै तुकी भक्ति को बिना कारण बताया गया, अप्रतिहता बिना बाधा के है, यहाँ पर भी अहितु की बिना कारण बताए और अप्रतिहता बिना किसी की प्रतिबंध के बगैर ये भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है। और विभिन्न पुराण में और भागवत में बताए जद्रिच्छया मत कथा दो, कहते मेरी कथा में जीव का जद्रिच्छा कर्म से ही है उसका कोई बंधन नहीं, जद्रिच्छा कर्म में ही मेरे प्रति जीव मेरी कथा में जीव को रुचि होती है। मत भक्ति जद्रिच्छया और भी बताया, इसलिए भागवत में जो जद्रिच्छा शब्द है बहुत जगह पर ये जद्रिच्छा शब्द था आया है। इसलिए जद्रिच्छा मतलब मतलब कहते हैं भक्ति बिना किसी कारण के स्वच्छंद रूप में उदित तो हो सकती है। इसलिए और पता क्यों जद्रिच्छा शब्द का अर्थ है स्वेच्छा पूर्वक अपना इच्छा से बिना कारण के
इसलिए स्वच्छता, इसलिए श्री रूप गोस्वामी उन्होंने अपना पद्यावली ग्रंथ में एक अद्भुत उन्होंने श्लोक उन्हें बताए कि जद्री छाछ का मतलब क्या है। उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने उदाहरण दे करके भक्ति के लिए उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने उदाहरण दिया है। एक सुंदर एक श्लोक बताए, भक्ति जहाँ तहाँ प्रकट हो सकती है और अपना इच्छा से प्रकट हो सकती है और किसी क्वालिफिकेशन भक्ति नहीं दे, कोई गुण देख करके प्रकट नहीं होती। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि बताओ विदुर का कौन सा जाति था। कोई अगर बोले भैया भाई उच्च कोई जाति होना तभी तो जाकर भगवान को भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने विदुर सबको जाति उन्होंने जो विदुर का जन्म कौन सा जाति में हुआ है, शूद्र। हाँ कौन सी जाति में, दासी पुत्र। कौन सी जाति में, दासी पुत्र। दासी पुत्र रूप में जन्म हुआ। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग 36 व्यंजन बना कर रखे। जब कृष्ण शांति दूत बन करके आए, दुर्योधन सोच रहा था ये ग्वाला इसको बढ़िया बढ़िया खिला पिला करके ना उसको हम खुश कर देंगे। इसलिए उन्होंने बढ़िया रोसैया बनाया, 56 भोग 36 व्यंजन बना कर रखे, उन्हें कृष्ण को खिला कर खुश कर देंगे। जब कृष्ण दूत बन करके आए तो उन्होंने पांडवों के लिए बोले ज़्यादा कुछ देने का जरूरत नहीं, केवल 5 गाँव देखो और ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर 5 गाँव भी देंगे अगर युद्ध के सूर्य के नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने सोचा कृष्ण को पहले किला पिला कर खुश करके खाओ फिर देख लेंगे। बोले चलो दूर से आए हो पहले भोजन कर लो। कृष्ण ने कहा देखो 3 जगह पर कोई व्यक्ति भोजन करता है, पहला नंबर भूखा हो तभी भोजन कर सकता, मैं तो आत्माराम अब तक काम मेरे को कोई भूख नहीं। दूसरे जगह पर अगर तुम्हारे काम बन गया तो फिर भोजन कर सकते हैं, लेकिन काम ही नहीं बना। तीसरे जगह पर अगर कोई मित्र हो हैं, मित्र हो भैया भोजन कर लो, फिर भोजन कर लेते। बोले क्या मैं आपका मित्र नहीं क्या शत्रु हूँ। बोले पांडव मेरे भक्त है, जो मेरे भक्तों का मित्र को मेरे मित्र है, जो मेरे भक्त का शत्रु मेरे शत्रु ही है, इसे तुम मेरे मित्र नहीं तुम मेरे शत्रु। बोले कहीं तो भोजन करो। बोले कहीं तो कर लेंगे, कहीं कर लेंगे। इसलिए उन्होंने कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश कर, बोले पकड़ो इसको बांध अलग मेरे को बांधोगे तुम। भगवान विराट रूप दिखाया, हाँ विराट रूप दिखाया, सब चकाचौंध हो गए। बचपन में विदुर जी को घर में गए, विदुर नहीं घर में विदुरानी थी, कहाँ प्रभु को बैठाएगा कहाँ खिलाएगा, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कृष्ण मेरे घर में आएंगे। हैं भगवान को बैठा करके देखा केला है, बस केले देखते हुए जा रहे थे, केले की छिलका खिलाते हुए जा रहे थे, इतने में विदुर जी आ गए। बोले पागल ने तू क्या कर रहे हो, भगवान को केले का छिलका खिला रहे हो। लेकिन वो तो प्रेम से खा खिला रही थी, अभी तो उसको होश आया। बोले बात सही है। फिर उन्होंने भगवान को केला खिलाना शुरू किया। कृष्ण ने कहा विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो प्रेम ही खाता हूँ। पहले केले का छिलका में जो स्वाद आ रहा था वो तो स्वाद प्रेम नहीं था। इसलिए जो भक्ति है किसी जाति के ऊपर निर्भर नहीं करता। फिर भक्त उदाहरण देते हैं, बोले भक्ति किसी धनी को ऊपर में हाँ किसी गरीब को ऊपर निर्भर नहीं करता। नहीं भक्ति तब होगा जब कोई धनी मानी हो, बड़े पैसा वाला हो। बोले नहीं मित्र विदुरस्य को धन कहते सुदामा से किम धन। भैया भगवान सुदामा जी का क्या खाए, चिड़सिखा चुड़ू चिड़वा खाए, 2 मुठ चिड़वा लेकर गए। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य को देख कर वो नहीं भगवान उनको मैं चिड़सिखा चिड़वा ला भगवान पेट खराब हो जाएगा। यहाँ पर कितने दास दासियाँ, यहाँ पर तो 16,160 पटरानियाँ, 1 से 1 सुंदरी राजमहल, भगवान ने सिखा चिड़िया कैसे दूर बगल में दबा कर रखा था। लेकिन भगवान सब जानते हैं, कहते भक्त द्रव्य पर वो काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्त द्रव्य पर वो उलट ना चाहे। मतलब है भक्त का वस्तुओं को तो प्रभु जोर जबरदस्ती छीन छीन कर खाते हैं, लेकिन अभक्त का है अभक्त का वस्तु उलट करके भी नहीं देखते। इसलिए महाप्रभु रोज जा करके श्रीधर से लड़ाई करते थे, जोर जबरदस्ती
बोले देखो बिना पैसा मिलूंगा लेकिन बढ़िया चीज चाहिए। श्रीधर कहता था प्रभु मेरे पास में तू इतना सारे बड़े बड़े दुकानदार बैठे उनके पास में जाओ, मैं गरीब आदमी हूँ हैं, इसमें थोड़ी जो लाभ होता है गंगा पूजा में लगाता हूँ। बोले गंगा ये तो मेरी दासी है। बोले इतने बड़ी बड़ी बात करते हो, थोड़ा संभल करके बात कर, गंगा तुम्हारी दासी। हाँ बड़ा तू दंड दिखा रहे हो। बोले नहीं बिना पैसा मिलूंगा बढ़िया चीज दूंगा। बोले भैया रोज तेरे साथ में कोई लड़ाई झगड़ा कर भाई जो इच्छा सुन है रोज। इसलिए भगवान कहते भक्त का प्रभु तो प्रभु जो जबरदस्ती लेते हैं लेकिन अभक्त का वस्तु उलट करके नहीं देखते हैं। इसलिए बोले भाभी ने कुछ भेजा नहीं। बोले नहीं। बोले बगल में क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं लगता है कुछ है, उन्होंने जोर जबरदस्ती छीन लिए पोटली को। बोले एक मुट्ठी खाए दो मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे अपने हाथ को बिल्कुल नहीं, दो मुट्ठी खा लिया तो सारे ऐश्वर्य उसके घर में पहुंच गया। अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं उसके घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा प्रभु और मत खाया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते ही सुदामा सखी होता ना, भैया सुदामा के पास में कौन सा धन था जो कि भगवान उसके वस्तु को हैं जो जबरदस्ती ठाकुर जी के हैं। अगर कोई बोले नहीं पहचाने तो तभी होता है जब बड़े बूढ़े हो जाओ ना, जब बड़े ज्ञानी हो जाओ तब भजन करोगे। बचपन से कोई भजन करने का उम्र तुम्हारी है? एक उम्र कहते हैं भैया ध्रुवस किम भयम, ध्रुवस का कौन सा उम्र था है? उन्होंने 5 साल उम्र में पिताजी की गोद में जो बैठने के लिए गए विमाता उनको भर्त्सना की, तभी बैठ सकते हो जब तुम ये शरीर छोड़ करके भगवान की तपस्या करके शरीर छोड़ो, मेरे कोख से जन्म लो तभी पिताजी का गोद में बैठ सकते हो हैं। तो उन्हें रो रो करके मैया के पास में गई। मैया बोली बेटा तेरे को उन्होंने एक अच्छी बात बताई, भजन प्रभु का भजन की बात बताई ना, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो राज सिंहासन में तो बैठ नहीं सकते, जाओ इसकी गोद में बैठ कर क्या मिलेगा, ये कब तक रहेगा राज्य, जाओ तुम पद्म कलाश में अपने श्रीहरि जी का भजन करो। फिर माता जी का आशीर्वाद ले करती 6 महीना में नारद जी की दर्शन हुई। क्या उनको सबसे 2-3 चीज उनको अच्छी मिली? पहला चीज क्या मिला? पहले संत दर्शन। क्या अगर जीवन में अगर भक्तों का दर्शन हो जाए, शास्त्र कहता है सिद्धि भगवत नेती संत से अच्छे से, तो भगवान की डायरेक्ट भक्ति करते हैं, भगवान उसको कोई गारंटी नहीं देते हैं। लेकिन अगर भक्तों का दर्शन हो गया तो शास्त्र कहता है जरूर तुम्हें भगवान मिलेंगे। आज मोय भाव भरस आनंदता बिनो हरि कृपा बिना नहीं नहीं सर। अगर भक्त दर्शन हो गया तो भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे ही। भैया नारद जी आपका दर्शन हो गया ना, मेरे को तो पक्का हो गया भगवान मिलेंगे, केवल आप मंत्र दो देखो मैं क्या करता हूँ। भैया चले तो ऐसे होने चाहिए, हाँ चले ऐसे होने चाहिए जब एकदम होश हो। अरे उन्होंने मंत्र प्रदान किया, पहले संत दर्शन हुआ। दूसरा चीज क्या मिला? बोले उनका मथुरा धाम ब्रज धाम। इसलिए रूप गोस्वामी कहते भक्ति के लिए हाँ जो भक्ति के लिए जो धाम है बड़ा अनुकूल है, बड़ा अनुकूल है। और तीसरा चीज क्या मिला उसको? यमुना नदी में स्नान करना। उनको ये 3 चीज मिला। यमुना कौन है? कहते सदा चिदानंद भानु सदा सदानंद सुनो परम प्रेम गात्री अघानाम लवेत्री। स्वयं राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर के ये यमुना रूप में बह रही है। यमुना में संध्या स्नान करना, स्वयं कृष्ण प्रेम क्योंकि नदी में स्नान करना विशाखा है। विशाखा जो राधा कृष्ण प्रेम जो शिक्षा प्रदान करती है उनकी स्नान मिला उनको। वाह 6 महीना में उन्होंने क्या किया? 6 महीना में भगवत प्राप्ति हो गई। गुरुस्वामी जी कहते हैं जनामा मौनी जत न कराए अंतरामा कहिया बतनाए। जन्म जन्मांतर जत्न करने पर भी अंतिम समय में भगवत स्मरण इनको नहीं होता है, लेकिन इनको 6 महीना में भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन उसको। इसलिए भगवान ने क्या बना दिया? ध्रुव लोक बना दिया। मृत्यु के सर के ऊपर में
प्यार रख करके सत्संग में जब विजय कर रहा था वैकुंठ, नारद नाच नाच करके बिना बजा बजा करके उछल उछल करके हैं ध्रुव जी की महिमा गा रहे थे, नाच रहे थे, बोले क्यों आज मैंने एक जीव को भगवत धाम प्राप्त करा दिया, भगवत गति प्रदान हमने करा दिया जीवन। इसलिए कहते हैं भगवान की जो भक्ति है ऐसे नहीं कोई बड़े हो तभी उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो, नहीं भक्ति कहीं भी अपना इच्छा से कहीं भी भक्ति प्रकट हो सकती है। इसके बाद में और कल सुनेंगे और किसको किसको पर मैंने कैसे कैसे कृपा की हो, ठीक है। वंशा कल कृपा संग भाई बचाओ।